कर्जा माफी कह के बदल गए और इनने नहीं उनने भी कही थी दिल्ली वालों ने राहुल बाबा दस दिन में सब कमा उस चक्कर में कहीं ने दिया नहीं तो रेगुलर डिफॉल्टर हो गए। कर्जा माफ हुआ नहीं ब्याज की गठरी सर पे धर दी। अरे तुमने तो पाप किया प्रायश्चित करो भूखे रहो लेकिन प्रायश्चित करने के लिए रहो प्रायश्चित करने के लिए। और आज शिवराज सिंह चौहान कहता है मध्य प्रदेश के किसान भाइयों विंध्य वालों मालवा वालों ग्वालियर चंबल वालों बुंदेलखंड वालों ये कांग्रेस ने राहुल गांधी ने ब्याज की गठरी तुम्हारे सर पर रखी है भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये ब्याज की गठरी किसानों के सर से उतारेंगे तो हम उतारेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। ये उपवास करने की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना पैसा नहीं दे दिक्कत थी इसमें कोई दो मत नहीं लेकिन कोरोना से निपटने के साथ साथ जब मैंने फाइलें खोली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के जिसका एक हिस्सा किसानों ने दिया था वो 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ दादा तुमने जमा नहीं किए इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला। आज किसान भाई आपसे पूछना चाहता हूं आपकी फसल के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा ना करना पाप है कि नहीं है बताओ। अरे जोर से बताओ पाप है कि नहीं। वैसे ही खा गए किसानों की बात करते हो हमने आते ही मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रबी की और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना के पैसे कमलनाथ जी और राहुल बाबा आपसे भी पूछना चाहता हूं आपकी सरकार ने जमा नहीं किए इसलिए फसल बीमा योजना मिला का लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री जी की हमने वो भी जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जमा करवा दिए। हमने किसानों के साथ अन्याय किया हम 0% ब्याज पर कर्जा देते थे तुमने कर्जा माफ करके 0% ब्याज का कर्जा ही बंद कर दिया। एक नहीं अनेकों पाप किए इस कांग्रेस ने। आज ये किसानों की बात करते हैं परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।